मटन को बढ़िया उठाना है और फटाफट मटन को इसमें ऐड कर देना है। सो गाइस ये अपना कुकर गर्म होकर रेडी हो गया, तो तुम्हारा भाई अभी इसमें तेल डाल रहा है। तो ये रहा अपना तेल भाई, कड़ी मसाले जीरा वगैरह इसको अपन इसमें डाल लेते हैं, लहसुन। उसके बाद में इसमें डालेंगे अपन जो खड़ी मिर्ची काट के डाले रखे हुए थे, वो भी आता है बट कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो डाल ही लेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, आप सबका स्वागत है मैं स्ट्रेक ब्लॉग में। सो गाइस, कैसे हो सारे के सारे, आई होप सारे ठीक ही होंगे। थोड़ा सा सामने से धूप आ रहा है तो दिक्कत जा रही है। सो गाइस, तुम्हारा भाई कब से यहाँ पे खड़ा है, तुम्हारे भाई को अभी माल नहीं मिल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया खड़े हो गए। तो आज तुम्हारे भाई के अंदर का ना हेल्पर जग गया है, और आज तुम्हारे भाई को ना खाना बनाने का मन कर रहा, तो आज तुम्हारा भाई जा रहा है खाना बनाने के लिए। गाइस, स्पेशल बकरा मटन आज का रेसिपी होने वाला है। बाकी ये एरिया चेक करो, यहाँ पे कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पे बस अकेला दूर दूर तक तुम्हारा भाई है, और हाईवे के बीच में अकेले तुम्हारे भाई का ही गाड़ी है, जो कि तुम्हारा भाई कल से यहाँ पे खड़ा है, कल से। और एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, जो कि दोनों साइड रुई की खेती और खुला एरिया है, तो हवा चल रहा है, तो मस्त हवा मिल रहा है अपने को। बाकी ना साइड में अपने को ना एक छोटी मोटी तालाब मिल जाती है, जहाँ पे अपने को पानी यूज करने के लिए मिल जाती है, और तुम्हारा भाई दो बाल्टी पानी भर के आया है, जिसको ना सिर्फ पीने उने और इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज कर रहा है, बाकी मुँह हाथ धोने के लिए ना जो भी है तालाब का ही पानी यूज कर रहा है। क्योंकि जितने भी लोग आंध्रा तेलंगाना चले हैं, उनको पता है कि भाई पानी का कितना ज़्यादा इधर शॉर्टेज है, पानी बहुत ज़्यादा मुश्किल से आंध्रा तेलंगाना में मिलता है, पीने के लिए भी खरीद के, नहाने के लिए भी खरीद के, हर चीज़ के लिए भी ना पानी खरीद के यूज करना पड़ता है। तो ठीक है गाइस, अभी जा रहा हूँ मैं खाना बनाने के लिए, पहले सबसे पहले बर्तन वर्तन धो लेते हैं, और रेडी बर्तन वर्तन धुला है फिर भी बहुत दिन से उस बर्तन में खाना नहीं बनाया, तो एक बार और धो लेते हैं बर्तन वर्तन धो के, सब चीज़ रेडी करके मिलते हैं, फिर दिखाते हैं आज का अपना स्पेशल बकरा मटन होने वाला है। सो गाइस, अभी तुम्हारे भाई का चावल वाल बन के पूरा कंप्लीट हो चुका है, और सामान रेडी हो चुका है चिकन सॉरी मटन बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको चेक करा दूँ कि भाई अपना क्या क्या सामान कटिंग हुआ है मटन में डालने के लिए, और कैसे कैसे कटिंग हुआ। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो, ये रहा अपना प्याज जो कि कटिंग हो गया, और ये रही अपनी हरी मिर्च, और ये रहा लहसुन, और ये रहा भाई खड़ी मसाले जिसमें कि जीरा उरा लौंग इलायची जो भी है दुनियादारी सब है। बाकी ये रहा अपना आधा किलो मटन, जो कि ना धो धा के रख दिया हूँ बढ़िया, भाई आधा किलो लग भी रहा है कि नहीं, ठगा तो नहीं है। सो गाइस, ये रहा अपना आधा किलो मटन, और बाकी ये रहा अपना धनिया पत्ता, बाकी धनिया पत्ता के अंदर भी मसाले है कुछ अपने, जो कि अपन स्पेशल मसाले, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और बाकी ये मिर्ची पाउडर वगैरह, ये हो गया अपना हल्दी पाउडर वगैरह। तो ये सारे मसाले अपन रेडी कर रखे हैं, कुकर उकर भी धो रखे हैं, ये रहा अपना सामने में कुकर। तो कुकर को अभी इसमें चढ़ाते हैं और दिखाते हैं, बाकी ब्लॉग में बने रहो, एक भी चीज़ को मिस मत करना, काफ़ी तगड़ा आज का तुम्हारा भाई बना रहा है, और आज तुम्हारा भाई अकेले ही बना रहा है, क्योंकि तुम्हारे भाई के अंदर का फूड ब्लॉगर जग गया, समझ रहे हो, हेल्पर है नहीं फिर भी अकेले तुम्हारा भाई मैनेज कर रहा था। ये कुकर अपना धर लिए, फिर बनाते हैं और दिखाते हैं कैसे कैसे बनेगा। सो गाइस, ये अपना कुकर गर्म होकर रेडी हो गया, तो तुम्हारा भाई अभी इसमें तेल डाल रहा है। तो ये रहा अपना तेल भाई, तेल सब्जी बनाने वाला खत्म हो चुका था, तो तुम्हारा भाई फिर से अभी जस्ट खरीद के लेके आया, थोड़ा सा और डाल देते हैं। तो ये हो गया अपना तेल, और इसको थोड़ी सी गर्म हो जाने देते हैं, उसके बाद भी ना यहाँ पे जीरा वगैरह डालेंगे, जीरा उरा जो भी अपना मसाला है। तेल वेल पूरा गर्म हो चुका, तो सबसे पहले तो ये वाली जो खड़ी मसाले जीरा वगैरह इसको अपन इसमें डाल लेते हैं। उसके बाद में ना अपन इसमें डालेंगे गाइस लहसुन। उसके बाद में इसमें डालेंगे अपन जो खड़ी मिर्ची काट के डाले रखे हुए थे वो। तो गाइस, सब चीज़ को अच्छे से डालना और एकदम बढ़िया से डालना, नहीं तो टेस्ट में भाई एकदम बढ़िया से एक एक चीज़ को पकाना, नहीं तो टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, मतलब फ़र्क पड़ जाएगा। तो पता नहीं आप लोग बनाते होगे तो कैसा टेस्ट आता होगा, पर सबके हाथ का अलग अलग टेस्ट आता है भाई। तो ठीक है गाइस, तो ये रहा अपना मिर्ची, अब ये मिर्ची और खड़ा मसाला और लहसुन को इसको तीनों को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। उसके बाद में गाइस आती है अपनी प्याज की बारी। तो गाइस, ये रहा अपना कटा वाला प्याज भाई, एक हाथ से कैसे डालूं, कोई रहता है कैमरा पकड़ने वाला तो समझ भी आता है, बट कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो डाल ही लेंगे, हाथ से डाल लेते हैं। तो गाइस, देख रहा हूँ ना अकेले फूड ब्लॉगिंग करने में कितना ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए तुम्हारा भाई अकेले नहीं करता। अभी त्यौहार के टाइम है तो सारे लोग छुट्टी में रह रहे हैं, चाहे वो हेल्पर हो चाहे कोई भी हो, तो इसको अच्छे से डाल दिया हूँ जितना मेरे को हो सक रहा है, जितना बढ़िया से बना रहा हूँ। तो बाकी प्याज को थोड़ी बहुत रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, वैसे ही बकरा मटन हार्ड रहता है, तो उसके साथ में पूरा प्याज गल जाता है मटन गलते गलते। तो इसको बस फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी बहुत ना इसको भूंज देना है, जैसे कि मैं भूंज रहा हूँ, तो अभी भूंज के दिखाता हूँ, हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं, उसके बाद डायरेक्टली मटन डाल देना और नमक डाल के ना इसको सीटी मारने के लिए छोड़ देना है। सो गाइस, फाइनली अपना सब चीज़ हो चुका है, प्याज व्याज गल चुका है, एक सेकंड मैं आपको चेक करा दूँ कि कितने सारे प्याज गल चुके हैं, ज़्यादा नहीं गला है भाई, ये मटन के साथ में गल जाएगा। तो देखो
लगभग इतना हो गया, दो तीन मिनट और रहने देते हैं, उसके बाद में इसमें डायरेक्ट मटन डाल देंगे। तो गाइस ये रहा अपना मटन धो धा के पूरा कंप्लीट करके रखे हुए। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मेरे को दिक्कत होता है ब्लॉगिंग करने में, क्योंकि ना मैं अकेले आदमी और फूड ब्लॉगिंग काम करना सब चीज़ करना, बाकी सारे इंडिया में जितने भी ट्रक ब्लॉगर है उनके पास दो तीन ऐसे करके आदमी रहते हैं, भले वो कैमरे में दिखते नहीं है बट उनके पास दो तीन आदमी रहते हैं, कैमरा मैन अलग रहता है भाई, उनका एडिटर अलग रहता है, उनको सिर्फ बोलना रहता है स्क्रिप्ट वगैरह आके, बाकी एडिट करके अपलोड करने वाला सब कुछ अलग अलग बंदे हैं, क्योंकि मेरे को पता है भाई मैं इस लाइन से हूँ तो किसके पास क्या है सब चीज़ मेरे को पता है, बट मैं अकेले करता हूँ, ट्रक भी अकेले ही चलाना रहता है, खाना भी अकेले ही बनाना रहता है, ब्लॉग भी अकेले ही शूट करता हूँ, एडिट भी अकेले ही करता हूँ, सब चीज़ अकेले ही करता हूँ, इसीलिए देख रहे हो कि एक दिन गेप एक दिन ब्लॉग आ रहा है आजकल। कि ये तो अपना गल चुका है, अब इसमें मटन डालने का बारी आ चुका है। तो ये प्याज देख लो, प्याज को इतने पे आप लोग कर लेना, ये जो है इतना पे गला लेना आप लोग प्याज को, उसके बाद में इसमें मटन डाल देते हैं। तो मटन पहले से मैं धो धा के रखा हुआ है, तो यहाँ से मटन को बढ़िया उठाना है और फटाफट मटन को इसमें ऐड कर देना है। तो गाइस ये देख रहे हो मटन, यहाँ पे पूरा मटन को अच्छे से डाल देना है। वैसे मटन तो मैं काफ़ी तगड़े से धोया था, तीन चार बार पानी से धोया था, क्योंकि पानी की क्वांटिटी कम है इसलिए भी तुम्हारा भाई धो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे मटन वटन डल चुका है, इसको थोड़ी बहुत मैं दिखा के आपको चला लेता हूँ, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ना और चलाना थोड़ी सी मुश्किल रहती है। तो यहाँ से ये चेक करो, मस्त तुम्हारा भाई चला ले रहा है एडजस्ट करके। देखो यहाँ घुटने में भाई कुकर का आइडेंटिटी को रोका हूँ, छोड़ूंगा तो सीधा नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे अपना जो भी है चला लेता हूँ, जैसे भी मैनेज करना भाई, सपोर्ट नहीं करते तुम, तुमको लगता है कि भाई बस चोदी पेल के और डाल देता है, बस कुछ मेहनत नहीं लगता। एक दिन मैं अपनी सारी मेहनत दिखाऊंगा कि एक कंटेंट मेरे को शूट करके और डालने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप लोग भी पागल हो जाओगे देखिए कि भाई ऐसे मैनेज कैसे करता है, दूसरा बंदा तो ऐसे कर ही नहीं पाएगा। तो ठीक है, बढ़िया तरीके से अपना तुम्हारा भाई चला चुका है। अब इसमें ना थोड़ी बहुत इसको ना सीटी लगा के ना इसको बंद कर देते हैं, इसको सीटी लगने देते हैं। सो गाइस देख सकते हो अपना मटन का कुछ यूं हाल है भाई, मस्त एकदम पक चुका है। अब मसाला वसाला डालना है, थोड़ा बहुत कच्चा है तो मसाले के साथ पक जाएंगे। तो देख रहे हो गाइस मटन का तुम्हारा भाई क्या कचूमर निकाल दिया। अब इसमें दिखाते हैं कि गाइस मसाला क्या क्या डालेगा, ठीक है। अब इसमें मसाले डालते हैं और भूजते हैं। सबसे पहले तो इसको कुकर पे रिटर्न चढ़ाते हैं और इसमें मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपना डाल लेते हैं भाई, मेरे पास ज़्यादा मसाले है नहीं, तुम्हारा भाई ऐसी काम चलाने के लिए बस बना रहा है। दूसरे का गाड़ी है, लबीश का गाड़ी है, सारे लोग तो जानते ही हो, बता चुका हूँ पहले भी कि लबीश का गाड़ी लेके आया हूँ, लबीश मेरा गाड़ी लेके आया। तो सबसे पहले तो ये अपना आंध्रा वाला हल्दी रहने वाला है, हल्दी पाउडर, तो इसको डाल देना है जो भी अपने हिसाब से कि भाई कितना लगना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो हल्दी हल्दी लगेगा और हाथ में भी आएगा भाई, खाना खाने के बाद ना हाथ में भी चिपकता है। बाकी दूसरा ये हो गया गाइस कि अपना क्या बोलने से धनिया पाउडर, धनिया पाउडर भी अपने हिसाब से डाल देना है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, धनिया धनिया टेस्ट लगेगा। तो धनिया पाउडर भी हो गया गाइस अपना। उसके बाद में लास्ट में आता है कलर चेंज करने वाला मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, जो कि ना कलर ही चेंज करता है और कुछ करता नहीं, इसको भी डाल दिए। उसके बाद में ना लास्ट में आता है गाइस अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं नया ख़रीदा था अभी, मस्त बढ़िया है, 20 रुपये का है, आंध्रा में एक नंबर मिलता है इसी वाला। तो इसमें से अपने हिसाब से थोड़ी सी डाल देते हैं, ज़्यादा इसमें से भी नहीं डालना है, थोड़ी और डाल देते हैं बस। तो हो गया गाइस, बाकी सब कुछ डल गया, इसमें कुछ भी नहीं डालना है, तो और अपने पास है भी नहीं डालने के लिए अभी, इसमें और बहुत सारे मसाले ऐड कर सकते हैं। सो गाइस चेक करो, तुम्हारे भाई का मटन बन चुका है, पूरा तरी वरी डाल दिया हूँ। अब ऊपर से ना धनिया पत्ता थोड़ी सी डालना अपना बचा हुआ है, तो धनिया पत्ता को जो भी कटिंग किए थे अपना, थोड़ी सी तो मैं पहले डाल दिया था भूंजते टाइम मटन को, अब बची वाली को अभी डाल देते हैं बढ़िया इसमें। तो देख रहे हो गाइस मस्त धनिया पत्ते के साथ में एक नंबर खुशबू आने लगा, धनिया पत्ता को डालते ही, तो जो भी बचा कुचा है उसको भी डाल देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। अब बस ये हो गया। तो ठीक है गाइस, तुम्हारा भाई अभी इसको थोड़ा सा ठंडा बना देता है, मतलब थोड़ा सा ना ये खोल जाएगा तो हो जाएगा, उसके बाद में ना तुम्हारा भाई इसको ठंडा करेगा और उसके बाद खाने बैठेंगे तो इसका टेस्ट बताएंगे कि भाई एक्चुअली में भाई इतना जो मेहनत कर रहे हैं। सो गाइस तुम्हारा भाई अभी गाड़ी से नीचे उतर चुका है, अभी शाम हो गया भाई, काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया, गाड़ी में ना पूरा बैठे बैठे बोर हो गए थे। अभी चेक करो, एक भी अपने कंपनी के आए हैं, जो कि इनकी गाड़ी थी, इन्हीं के पास से मेरे को गाली वाली दे के भगाए थे यहाँ के लोकल कागज नगर वाले ना, अभी आप ही के सामने भगाए ना। सो भाई इनको मैं बुलाया और यहाँ पे मस्त सुनसान जगह में अपन दोनों गाड़ी लगा दिए, यहाँ पे नेशनल हाईवे भाई, मन मन भी लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा है।
अब सिटी में भी रहोगे तो क्या ही मन लगेगा भाई, तेलगा लोग का ना बात समझ आएगा ना भाषा समझ आएगा, उल्टे ही बोलते हैं। तो इसलिए ना अपन शांत एरिया में आ गए हैं। यहाँ पे जो भी है एक दो खेती वगैरह वाले अपने को दिख रहे हैं, एक दो गाड़ी आ रहा है, रोड भी उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अब भी देखो अभी यहाँ पे कितनी कम गाड़ी आ रही है, यहाँ पे बिल्कुल गाड़ी नहीं आ रही। अभी जस्ट एक गाड़ी पार हुई, उसके बाद में आप देखना बहुत देर बाद गाड़ी पार होगी, अभी पार नहीं होगी। तो ना ये रोड भी बंद रहता है, रात को भी बंद रहता है। तो यहाँ रोड के किनारे भी लगाने से पुलिस वाले अपने को परेशान नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा ना मेरे कैमरे का सेटिंग शायद ख़राब हो गया, ब्राइटनेस कम हो गया, बट इसको सेटलमेंट कर लेंगे। सो ठीक है गाइस, तुम्हारा भाई खाना वाना बनाया खाया, उसके बाद गाड़ी में सोए थे, भैया भी आ गए, बातचीत किया, बट भैया को ऑफर किया खाना खा लो, भैया मंगलवार को नहीं खाते हैं। कोई बात नहीं भैया, मंगलवार को नहीं खाते तो नहीं खाना चाहिए, बट तुम्हारा भाई खा लेता है, कोई बात नहीं, भूल गया था मैं मंगलवार है, अगली बार से मैं भी मंगलवार को नहीं खाया करूँगा। देखो देख सर्विस रोड में गाड़ी आ रहा है। सो ओडिया गाइस, बाकी देखते हैं कि अपने को माल वाल आज भी मिलता है कि आज भी यहीं पे रुकना पड़ता है।